देखा जाए तो मौजूदा वक्त में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया यूज ना करता हो। लोगों के इस क्रेज को देखते हुए अब शातिर ठगों ने ठगी का एक अलग तरीका भी अपना लिया है। वो इमोशनल पोस्ट के जरिए लोगों को सोशल साइट्स पर ठगने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए वो आप में से ही किसी एक की आईडी को हैक कर लेते हैं। समाज में जितनी तेजी से सोशल मीडिया अपनी जगह बनाता जा रहा है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि अब साइबर क्रिमिनल पुलिस अधिकारियों तक को चूना लगा रहे हैं। पुलिस वाले के नाम से साइबर ठगी। इस बार साइबर क्रिमिनल की नजर एक इंस्पेक्टर की फेसबुक आईडी पर पड़ी और उन्होंने इंस्पेक्टर की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया। रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजे मदद के मैसेज। फेसबुक मैसेंजर के जरिए इंस्पेक्टर के परिजनों और दोस्तों को एक मैसेज मिला जिसमें इंस्पेक्टर के बेटे के एक्सीडेंट की बात कही गई थी। एक्सीडेंट और बीमारी के नाम पर बनाते हैं शिकार। एक दोस्त की समझदारी से ठगी का खेल सामने आ गया। अक्सर फेसबुक पर लोगों की बीमारी के नाम पर फंड या फिर एक्सीडेंट के नाम पर आर्थिक मदद मांग शिकार बनाते हैं। बरेली के सीबीगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर बच्चू सिंह इस बार साइबर ठगों के शिकार बने हैं। साइबर ठगों ने उनकी फेसबुक आईडी को हैक कर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से आर्थिक मदद की मांग की है। इसके पीछे शातिरों ने सभी को इंस्पेक्टर के बेटे के एक्सीडेंट की जानकारी दी। जिसे भी बेटे के इलाज की बात पता चली वो इंस्पेक्टर की मदद करने को राजी हो गया, लेकिन जब इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर बच्चू सिंह को लगी तो उन्होंने अपनी पोस्ट हैक होने का स्टेटस अपडेट किया। एक मैसेज सीवीगंज इंस्पेक्टर की ओर से, बच्चू सिंह यादव जी हैं वहाँ इस समय जो SHO चल रहे हैं, उनसे मेरे बहुत ही पुराने व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, तो उस पर मैसेज आता है हाय, तो मैं भी हेलो करके रिप्लाई करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरे को सख्त 40,000 रुपये की ज़रूरत है ध्रुव, क्या तुम ये इंतजाम कर सकते हो इन पैसों का? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर भैया, मगर आज तो बैंक बंद हैं। तो ले मेरे को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, तो फिर मैंने उससे वार्ता कर, मैं ऐसा है कि हाँ हो जाएगा इंतजाम, और आप अपना अकाउंट नंबर दो। तो उसने अपना अकाउंट नंबर दिया, पेटीएम अकाउंट नंबर था, पेटीएम अकाउंट नंबर था, अकाउंट नंबर दिया। तो मैंने कहा भैया इसमें तो पैसे जा नहीं रहे, तो बोले जा नहीं रहे, तो भैया कि 20-20 करके डालो, मैं कि कोई दूसरा अकाउंट नंबर है, तो दूसरा भी उसने अकाउंट नंबर अपना प्रोवाइड कराया। फेसबुक आईडी हैक होने की जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर बच्चू सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी है, साथ ही साइबर सेल में अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब साइबर सेल इन अपराधियों की IP एड्रेस के जरिए तलाश में जुट गई है। बच्चू सिंह जो जिनके वर्तमान तैनाती इंस्पेक्टर सिविंगज जनपद बरेली में है, उनका पर्सनल फेसबुक आईडी जो है किसी ने हैक कर लिया, या यूँ कहे कि उसका एक फर्जी आईडी बनाकर उनके कुछ सगे संबंधी या उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, उनके दोस्त थे, उनसे कुछ पैसे की मांगने की बात की। उसमें उन्होंने ये बताया कि उनका बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया और उसका इलाज जो है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर कुछ पैसे की ज़रूरत है। सीबीगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि मामला बिल्कुल फर्जी है, हमारा आईडी जो है किसी के द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट जो है साइबर सेल को दे दी है, और साइबर सेल के द्वारा इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ऐसा करने के पीछे उसका क्या है। साइबर ठगी का शिकार बनने वाले इंस्पेक्टर बच्चू सिंह अकेले नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर किसी की बीमारी और एक्सीडेंट से जुड़ी खबरें वायरल कर मदद की गुहार लगाती पोस्ट अक्सर देखने को मिलती हैं। इनमें से कई पोस्ट साइबर ठगों का जाल होती हैं, जो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर शिकार बनाते हैं। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, ABP गंगा।